जय हिंद साथियों। बहुत दिनों से झंझारपुर लोखा रेलखंड में एक खबर जो है सो बहुत ही तेजी गति से फैल रहा है कि आखिर लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं कि इस रूट में इतना जल्दी ट्रेन चालू हो, इतना जल्दी ट्रेन चालू क्यों ना हुआ, ये सभी डाउट लोगों के मन में है। तो मैं आप सबका मन का डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। हालांकि रेलवे विभाग को भी इतना देरी नहीं लगाना चाहिए था इस रूट में, लेकिन देरी लगाने का भी उसका भी कोई वजह था कि दूसरे रूट में काम चल रहा था, उस रूट को क्लियर करना था, इसके वजह से इस रूट में काम कंप्लीट नहीं हो पाया। और हालांकि ये देख सकते हैं रेलवे विभाग भी पब्लिकों की डिमांड जल्दबाजी में पूरा करने के लिए काम हरभर में गड़बड़ करते हुए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, अब रेलवे विभाग को गलती माने या किसको गलती माने, ठेकेदार को गलती माने, किसको गलती माने, अब ये टूट चुका है यहाँ पे देखिए। तो इसका जिम्मेवार किसको माने, आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। जो कि देखिए कुछ ही दिन हुआ है यहाँ पर इसको ढाला हुआ और कुछ ही दिनों के अंदर में ये टूटता हुआ, बिखरता हुआ नीचे पानी में जा रहा है। तो ऐसे स्थिति रहा तो कितना दिन चलेगा यहाँ पर ये हॉल्ट, और कितना दिन चलेगा ऐसे ऐसे ढलाई, आप सब देख सकते हैं खुद वीडियो में, आपके कमेंट बॉक्स में आप सब बता सकते हैं दोस्तों। जो कि ये झंझारपुर लोखा रेलखंड के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट का वीडियो है, देखिए आप सब, फुल इंफॉर्मेशन आप सबको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो कि साइड से पानी बहता है और ऊपर से देख सकते हैं कितना खड़ा है ये हॉल्ट, कितना ऊंचाई पर है, और सारा मिट्टी धीरे 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 बहते हुए पानी में जा रहा है। आप सबको क्या लगता है कितना साल ये चलेगा, कितना साल टिकेगा? और बोर्ड का स्थिति देख सकते हैं, बोर्ड भी झुक चुका है, नीचे मुड़ चुका है। हालांकि दोस्तों ये एक हॉल्ट की बात नहीं है, अनेकों हॉल्ट पर मैंने देखा है इस रूट में ऐसे ही जो है सो झड़ते हुए जा रहे हैं हॉल्ट। लेकिन इसके पीछे किसका गलती है आप सब कमेंट बॉक्स में खुद बता सकते हैं। जो कि बाकी लाइट सब देख सकते हैं यहाँ पर, लाइट सब अभी फिलहाल लग चुका है और लाइट में सप्लाई नहीं दिया गया है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया गया है। और इधर भी आप सब देख सकते हैं जो कि बिजली का जो खंभा है उसमें भी अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ है, बहुत जल्द विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। और सामने में ये देख सकते हैं जो कि सिकटियाही गांव पर जाता है, और यहाँ की दयनीय स्थिति बहुत ही अभी बुरा चल रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ के ग्रामीण सब हैं सभी का आना जाना लगा रहता है, इस रास्ते से होके खेती करना होता है। तो मैं आप सबको एक बार घुमा के दिखा दूं तो ये देख सकते हैं जो कि बीच में खाली छोड़ दिया गया है रेलवे विभाग के द्वारा, और यहाँ पर अंडर पास बनाने की मांग किया जा रहा था ग्रामीणों द्वारा। लेकिन क्या कारण है, क्या बात है जिसके कारण से यहाँ अंडरपास नहीं बना, वो तो रेलवे के गवर्नमेंट ही जाने, रेलवे विभाग ही जाने, किसी को ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि साइड में देख सकते हैं जो कि सामने ये खेती करता है, जो कि दूर दूर तक आप सबको देख दिखाई दे रहा होगा खेती होता है यहाँ, लेकिन ग्रामीणों को बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ता है इस पार से उस पार जाने के लिए। तो यहाँ ऐसे स्थिति है। बाकी साइड में आप सब देख सकते हैं ये इस हॉल्ट का ये टिकट घर है, और इस टिकट घर का रूम बंद कर दिया गया है इसलिए अभी ये बचा हुआ है। हालांकि बरहाड़ा सब का स्थिति तो बहुत ही खराब चल रहा है, हॉल्ट का रूम को बंद नहीं किया गया है, इसके वजह से अंदर में गोबर लगा हुआ है या अनेकों प्रकार के ऐसे चीजें लगा हुआ है दोस्तों। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। चलिए ऐसे ही नई जानकारी के लिए मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।